नमस्कार विजय, कैसी न्यूज, आपका स्वागत है। फिलहाल सीधी तस्वीरें आ रही है डीसी कार्यालय से, जहां पर आपको दिखाएंगे कहां पर डीसी साहब का जो ऑफिस है उनके सामने बाहर जो है ये लोग जो खड़े हैं मेरे पीछे दिखाएंगे तस्वीरों में, ये दुकानदार लोग हैं। वो दुकानदार लोग हैं जो गैर जरूरी सामान के लिए यहाँ पर खड़े हैं, जैसे कि किराने की दुकान को छोड़ के कपड़े की दुकान हो गई, मोबाइल की दुकान हो गई और अपना गैस की दुकान हो गई। इन लोगों का जो कथन है, इन लोगों का जो कहना है कि अगर हमारे घर में, अगर जिसके घर में गैस चल रही है, खाना बनाया जा रहा है, अगर गैस खराब हो जाती है तो वो ठीक कराने कहाँ जाएँ। मोबाइल वालों की बात करी जाती है तो वो कहते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज में इसको मोबाइल को रखा जाए, क्योंकि कारण है कि अगर जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन स्टडी चल रही है, उस ऑनलाइन स्टडी के अंदर मोबाइल खराब होते हैं तो उसको ठीक कराने के लिए जो परिवार को काफ़ी दिक्कत और परेशानी है, या किस तरह की दिक्कत और परेशानी है, आपको सुनते हैं इनसे पूरी बात, क्या इनका पूरा मामला है, बने रहे हमारे साथ और जितना हो सके इस खबर को शेयर जरूर कीजिए ताकि इन लोगों की बात जो प्रशासनिक अधिकारी तक पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम संजीव गोयल है जी। बताएं जी, आप सारे लोग आज किस लिए आए हैं यहाँ? देखो, हमारी एक ही डिमांड है प्रशासन से कि ये लॉकडाउन चलो ठीक है लगाया गया है, एसेंशियल सर्विस खोला गया है, किराना दूध दही दुकानें खुली हैं, फार्मेसी खुली है, हार्डवेयर खुला है, विस्की की शॉप्स खुली हैं। सर विस्की की शॉप तो कोई नहीं, विस्की चलो पंजाब में खुली, हरियाणा में नहीं खुली है, चलो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। बट हमारी एक ही विनती है कि हमारी मोबाइल की दुकान को भी खोला जाए। हमारे साथ कपड़े के व्यापारी भी हैं, दूसरे ट्रेड के व्यापारी भी हैं। हमारी एक ही डिमांड है कि कुछ समय के लिए, दिन में 2 घंटे 3 घंटे हमें खोलने का मौका दिया जाए, क्योंकि मोबाइल भी एक एसेंशियल सर्विसेज में आना चाहिए। आज बच्चों की पढ़ाई है, उनके मोबाइल ख़राब होते हैं, उनको मोबाइल की सेवाएं चाहिए। हमारे दुकान के किराए हैं, हमें किराए देने हैं, स्टाफ की सैलरी है वो देनी है। अगर हम 20-20 दिन दुकान को बंद रखेंगे, पूरा दिन बंद रखेंगे, हम खर्चे कैसे निकालेंगे? हमारी एक छोटी सी विनती है सरकार को कि दिन में शाम के वक्त 3 घंटे खोलने की इजाज़त दे दे, हम और कुछ नहीं चाहते, सिर्फ यही हमारी एक विनती है। कोरोना के केस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और प्रशासन हमेशा ये कहता रहा है कि दुकानदार जब मार्केट में ग्राहक आते तो मास्क नहीं लगाते हैं, जो परेशानी वो सिर्फ मास्क की है। सर देखो, वो दुकानदार, अगर कोई दुकानदार रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ता है उस पर फाइन लगाया जाए। अगर हमें 3 घंटे की इजाज़त मिलती है, हम 3 घंटे दुकान खोलेंगे, पूरे सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखेंगे। अगर कोई दुकानदार रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ता है उस पर फाइन लगाया जाए। अगर वो मेंटेन नहीं करता डिस्टेंस को, तो रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो ही लाइबल टू पे द पेनल्टी फॉर दैट। बट एटलीस्ट से आप जो चाहते हैं 2-3 घंटे की, 2-3 घंटे के लिए हमें मौका दिया जाए, क्योंकि हम बिल्कुल ही देखो, स्टाफ की सैलरी देनी है, किराए देने, कहाँ से दें? हमारा बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। 3 घंटे के लिए हमें दिन में, मेरे ख्याल सभी जो भाई लोग खड़े हैं उनकी यही डिमांड है, दिन में 3 घंटे शाम को दे दे टाइम। आपकी शॉप का क्या नाम है सर? आपकी हमारी इलेक्ट्रोविजन सेक्टर 15 से मोबाइल की शॉप है। मोबाइल की शॉप है, ठीक है, थैंक यू। नाम बताइएगा, क्या नाम? मेरा जोगिंदर सिंह नाम है जी, अभयपुर में मेरी मोबाइल की शॉप है। क्या है परेशानी? क्या परेशानी सर? यही है, दुकानों को थोड़ा सा टाइम दिया जाए, 2-2-3-3 घंटे का, जैसे ही पॉसिबल हो। बाकी दुकानें खुली हैं, राशन की खुली है, डेयरी खुली हैं, वो 8-8-9-9 घंटे खुली हैं। टाइम टेबल को मेंटेन करते हुए उनका कुछ कम किया जाए या फिर उसमें से कुछ टाइम हमें दिया जाए, बस यही हमें दुकानें खोलने का थोड़ा टाइम दिया जाए। प्रशासन की तरफ से जो लगातार बातें बोली जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंस का जो ध्यान है, जैसा कि सर ने बताया, सोशल डिस्टेंस का ध्यान भी नहीं रखा जाता और कई तरह की और जो गाइडलाइंस है वो फॉलो नहीं की जाती, सर इसके बारे में क्या कहेंगे? सर ऐसा है, हम तो पूरा अपना पालन करते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है किसी तरह की भी सोशल डिस्टेंसिंग। हमारी दुकान पर कितना कस्टमर आता है? दिन में 2 कस्टमर 4 कस्टमर, इससे ज़्यादा तो कोई हमारे पास कस्टमर की आवाज़ाही भी नहीं है। और वो भी एक आया एक चला गया, ये नहीं है हमारे पास 10 कस्टमर इकट्ठे आते हैं। सर दुकान के किराए की है? कितना किराया है सर आपका? किराया सर 15,000 रुपये दुकान का, बिजली का बिल है सर, और भी खर्चे हैं। बिल्कुल एक तरह से घर में फ्री बैठे हैं, बेले बैठे हैं, तो कुछ टाइम दिया जाए हमें भी। मतलब खर्चे तो हमारे भी हैं, ये तो है नहीं सिर्फ राशन वालों का खर्चा है या दूध वालों का खर्चा है, बच्चे हमारे भी हैं, खर्चे हमारे भी हैं, तो उसमें से जो टाइम उनको दिया हो उससे थोड़ा टाइम हमें दिया जाए। और रही बात भीड़ की, तो भीड़ तो रेड़ी फड़ियों से होती है, कौन सा दुकान से भीड़ होती है? रेड़ी फड़ी पे आप सब कहीं भी देखो, किसी भी सेक्टर में देखते हो, एक एक रेड़ी पे 4-4 लोग खड़े हुए हैं, 6-6 लोग खड़े हुए हैं। दुकान सिर्फ दुकानदारों के लिए थोड़ा ना है ये, भाई दुकान में कितनी भीड़ होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, दिन में 10 कस्टमर आते हैं, एक गया, एक चला गया, एक आया, मतलब तो हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं है भाई सारा दिन भीड़ लगी रहती है। नाम दीपक कुमार है जी। किस चीज़ की दुकान है सर आपकी? सर मेरी रेडीमेड फुटवेयर की शॉप है अभयपुर में जी, गलग रेडीमेड फुटवेयर के नाम से जी। दिक्कत तो सर ये आ रही है, देखो खर्चे जो के दो चल रहे हैं जी, दुकानों के किराए भी हमको देना पड़ रहे हैं जी, वो कहाँ से देगा दुकानदार जी? नौकरों के खर्चे भी है जी, नौकर भी अपनी सैलरी मांगते हैं जी, मकानों की किस्तें भी हैं, सब कुछ है जी, क्या खर्चा नहीं है? खर्चे तो हमारे जो के चल रहे, स्कूल की फीस जा रही है, वो तो कोई चीज़ तो कोई रुक नहीं रही भी, कोई किसी बात को किस्त रुक रही हो या दुकान का किराया कोई सरकार माफ़ कर रही हो या बच्चे की फीस माफ़ कर रही हो, तो हम बताओ अब कहाँ से देंगे? जब तो कर्जे में ही डूबने का काम हो रहा है भी, हम
तो बड़ी परेशानी का काम हो गया हमारे लिए। तो जी अगर बीमारी अगर बढ़ती है, बीमारी अगर किसी को लगती है तो भी तो दिक्कत परेशानी है। देखो जी बीमारी तो है, वो तो सही है आपकी बात, मगर बीमारी के साथ साथ हमारे बारे में कुछ सोचो ना जी, कि हम क्या करें तो हमारी किस्तें माफ़ की जाए, या नौकरों का खर्चा है उसका देखो आप क्या है, दुकानों का किराया उसका देखो क्या है जी, फीस है स्कूल की, तो हम ये बताओ कहाँ से मेंटेनेंस करें जी। अब क्या प्रशासन से क्या अपील करना चाहते हैं? हम तो यही कहते हैं कुछ ना कुछ टाइम तो हमको भी दो ना, जैसे किराने की दुकानें खुल ली, हम ये नहीं कहते कि हमको फुल टाइम दो, कुछ कम टाइम दो, हम सिस्टम से चलेंगे, मास्क के बगैर किसी कस्टमर की एंट्री नहीं होने देंगे, ज़्यादा भीड़ नहीं होने देंगे जी। जैसे अब पुलिस हमारे पास आके वहाँ पर अभी बैठी है, जैसे दुकानें बंद करवा दी है, तो उनका भी थोड़ा बनता है कि जैसे मार्केट में ज़्यादा भीड़ भड़ाका होता है, वो कराए हमारे साथ, हम भी उनका सहयोग करेंगे, वो भी हमारा सहयोग करें जी। बताएं आपका नाम बताएं। मेरा नाम मनी कपूर है और मेरी सेक्टर 11 में दुकान है ब्रूवर्स के नाम से, वहाँ पे मोबाइल शोर है हमारा, मोबाइल शोर है हमारा, तो हमारी भी यही दरख्वास्त है प्रशासन से कि हमारी दुकानों को खोलने का कुछ समय दिया जाए, लाइक 2 या 3 घंटे सुबह या शाम में, हमें कभी भी लाइक 10 से 2 का हो गया या फिर 2 से 5 का हो गया टाइम मिलना चाहिए, बिकॉज एक एसेंशियल सर्विस होती ही होती है, बिकॉज अब सबकी स्टडी ऑनलाइन चल रही है, सबको पता है, सबकी रिक्वायरमेंट है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो मोबाइल है वो भी, मेरा कहना ये है, जैसे चंडीगढ़ में क्या है, मोबाइल रिपेयर वालों को ऑप्शन दिया हुआ है, या मोबाइल रिपेयर की दुकान है ना, तो हमारी भी रिपेयर की दुकान है, हमारी रिपेयर और सर्विस दोनों में आती है, तो हम यही चाहते हैं जैसे चंडीगढ़ में है, जीरकपुर में है, दुकानें खुली हैं, तो हमें भी देना चाहिए मौका पंचकुला के अंदर कि हमारी शॉप्स खुली रहें। चंडीगढ़ पंचकुला को देख सकते हैं आप, वहाँ पर खुली हैं शॉप्स, तो हमें भी है कि हमें 2 से 5 का टाइम मिल जाए, सुबह 10 से टाइम मिल जाए, कुछ भी मिल जाए टाइम हमें, तो हमारी शॉप्स खुल जाए। वहाँ पे कम से कम 25 दुकानें हैं, सब ने रेंट देना होता है, किस्तें होती हैं, और हमारे कस्टमर्स की डिमांड भी आ रही है, इवन कि कस्टमर कहता है हमारा फ़ोन ख़राब हो गया है, सबका कोई टूट गया है, किसी को केबल चाहिए, किसी को अडॉप्टर चाहिए, किसी के बच्चे की पढ़ाई रुक रही है। दिक्कत होती है कि मोबाइल रिपेयरिंग की आड़ में लोग मोबाइल बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल बिकते हैं, मोबाइल ऐसा लोग नहीं बेचते, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग करते होंगे सर, वो उन पर आप कार्रवाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है, बट मोस्टली दिक्कत सारी दुकानें खोल दी जाती हैं फिर तो लॉकडाउन का इफेक्ट ही नहीं रहता, लॉकडाउन सर ऐसा ना नहीं रह जाता, सारी दुकानें जो सेक्टर वाइज में मोबाइल की दुकानें कितनी होंगी है एक सेक्टर में? नहीं हर सेक्टर में सर मोबाइल की शॉप, हाँ? मोबाइल की शॉप की बात करें, यहाँ पे उसके कपड़े के जो व्यापारी वर्ग हैं वो भी लोग सर एसेंशियल, एक काइंड ऑफ एसेंशियल वर्क तो आता ही ना सर, मोबाइल जिसका आपका फोन खराब हो जाए क्या करोगे आप, एमरजेंसी में जाओगे ना, किसका किसी का काम तो रुक ही जाता है ना, किसी की पढ़ाई है, किसी चाहे आप किसी डिपार्टमेंट का काम ले लो, आप मेरा फोन खराब हो गया वो कॉन्टेक्ट तो करेगा ना कि भैया ठीक करके दो हमें। क्या अपील करना चाहते हैं? हमारी ये अपील है कि शॉप्स खुलें, टाइमिंग टाइम लिमिट दे दो हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर, जो एसेंशियल सर्विसेज और टाइमिंग दिया जाता है जो सुबह 5 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक है, लेकिन आप उसमें से कम से कम 30% या 40%, मेरा यही है कि टाइम लिमिट दे दें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत है हम काम कर लेंगे, कस्टमर्स को ये भी नहीं होता हम होम डिलीवरी भी कर लेंगे, हमें होम डिलीवरी ऑप्शन दे दे, ऑनलाइन कंपनियां कर रही हैं होम डिलीवरी, हमें दे दे, हम घर से पिक करेंगे क्या उनकी दुकान पर रिपेयर करेंगे, वहाँ जाके दे आएंगे, कस्टमर तो तब भी नहीं आएगा, हम वो भी कर सकते हैं, पर हमें कुछ एक चांस मिलना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं। फिलहाल आप ज्ञापन देने आए हैं आप? जी बिल्कुल।